अस्सलाम वालेकुम। वी वर स्टडिंग चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस। हम लोगों ने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स कवर कर लिया है। होम्योस्टेसिस इन मैन में हम लोगों ने स्किन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। वी नो वी गोना मूव ऑन टू लंग्स नाउ। रोल ऑफ लंग्स टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो टू सर्टेन लेवल। यानी लंग्स का बेसिकली फंक्शन क्या है फॉर होम्योस्टेसिस, दैट इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल में रखता है, मेंटेन रखता है, जितनी भी हस्बी जरूरत है। टिश्यू सेल्स प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। टिश्यूज एंड सेल्स है क्योंकि उनके रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड काफी हद तक पैदा हो रहा होता है, उसके प्रोड्यूस हो रहा होता है। एज ब्लड पासिस थ्रू टिश्यूज वाया ब्लड कैपिलरीज, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। जब ब्लड जो है टिश्यूज से क्रॉस कर रहा होता है, पास कर रहा होता है बाय ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर एंटर करता है। वेयर इट रिएक्ट्स विद वाटर फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, जहाँ पे वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर मौजूद होता है, तो उसके सेल्स के अंदर जो वाटर मौजूद होता है उसके साथ रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एन एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट इन द आरबीसीज। अब ये रिएक्शन होता है इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर एक एंजाइम एग्जिस्ट करता है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्राइज। अगर इसकी एग्जिस्टेंस है सो द कार्बन डाइऑक्साइड इन आर ब्लड विल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। द कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट इन टू एच पॉजिटिव आयन एंड बायो कार्बोनेट एच नेगेटिव कार्बोनेट आयन्स। द लेवल ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स इन ब्लड इज कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाई स्पेशल डिटेक्टर्स, रिसेप्टर्स, कैरोटिड बॉडीज एंड एरोटिक बॉडीज। अब जो कार्बोनिक एसिड वो क्या करता है, वो टूट जाता है इनटू एच पॉजिटिव आयन्स यानी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन्स, और जो हाइड्रोजन आयन्स है उसको मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल में रखता है हमारे रिसेप्टर्स जो कि होते हैं कैरोटिड बॉडीज एंड एरोटिक बॉडीज। मोस्ट ऑफ द बायोकार्बोनेट आयन्स डिफ्यूज आउट फ्रॉम आरबीसीज टू ब्लड प्लाज्मा। जो बायोकार्बोनेट होते हैं अक्सर आरबीसीज से ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कैरीड एंड डिसॉल्व इन आरबीसीज। व्हेन द ब्लड रीचेस लंग्स दिस बायोकार्बोनेट आयन्स डिफ्यूज बैक इन टू आरबीसीज वेयर अगेन कन्वर्टेड इन टू कार्बोनिक एसिड देन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब लंग्स जाते हैं तो वहाँ पर भी एक पूरा क्लीन आउट हो जाता है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड इन टू अवर बॉडी वेयर फ्रॉम इट इट इज एक्सपेल्ड आउट व्हेन ब्रीथिंग आउट। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ब्लड आरबीसीज के अंदर मौजूद होता है, जब ब्लड जो है लंग्स में पहुँच जाते हैं तो उस वक्त जो बायोकार्बोनेट आयन्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं जब ये टूट जाते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये अल्वॉली जब पहुंचता है, अल्वॉली क्या करता है ऑक्सीजन को इन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज देता है, तो अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मौजूद होता है वो उसको एक्सपेल आउट कर देता है, ब्रीथ आउट कर देता है। अब इसका मकसद क्या होता है, क्यों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से निकालते हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट कर रहा होता है इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का मतलब ये है कि वो एसिडिक है मीडियम है, तो हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम हो जाता है, तो हमारे बॉडी एसिडिक मीडियम में प्रॉपरली काम नहीं करता। इसी वजह से इफ द CO2 लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड, pH ऑफ ब्लड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, सो दैट द रिसेप्टर सेंड्स अ मैसेज टू कंट्रोल सेंटर व्हिच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट टू एक्सपेल आउट द CO2 एफिशिएंटली। तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ज्यादा मौजूद होती है तो हमारा pH लेवल है वो चेंज हो जाता है। जब pH लेवल चेंज हो जाता है तो रिसेप्टर को पता चल जाता है कि pH लेवल हमारा चेंज हो गया है, वो क्या करता है कि वो जो है कंट्रोल सेंटर में यानी ब्रेन की तरफ मैसेज पहुंचा देता है कि वी हैव टू इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट, ताकि हमारे जो अंदर जो CO2 है वो आसानी से एक्सपेल आउट हो सके। इसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, लंग्स जो है ऑक्सीजन इन करता है, वो आरबीसीज तक पहुंचाता है, फिर ऑर्गन्स तक वो पहुंचाता है, फिर ऑर्गन्स क्या करते हैं उसमें से जितना भी जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है वो वहाँ से जमा करके वो जो है पहुँचा देते हैं लंग्स में, लंग्स उसको बाहर एक्सपेल आउट कर लेता है एंड अंदर बाहर से ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस साइकिल में चल रहा होता है हमारे अंदर। रोल ऑफ किडनी इन कंट्रोलिंग ब्लड कंपोजिशन। अब किडनी का रोल क्या है ऑस्मोरेगुलेशन में, कि ब्लड की कंपोजिशन को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड के अंदर कौन कौन से सोल्यूट्स और कितना मिकदार पानी का होना चाहिए वो कंट्रोल करता है किडनी। ब्लड इज अ फ्लूइड हैविंग सेल्स इन प्लाज्मा, इट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ H2 एंड सम सॉल्यूट्स लाइक सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन। यानी ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, उन फ्लूइड्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर होता है।
ऑल दो प्लाज्मा के अंदर लेट्स सपोज ले लेते हैं वाटर की हाई अमाउंट होती है, लेकिन उसके अलावा वाटर के अलावा कुछ और सोल्यूट्स यानी कुछ और आयन हमारे पास यहाँ पे लाइक सोडियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस यानी जो कचरा होता है हमारे बॉडी का वो भी प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। लिवर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस यूरिया एंड एनएच3 यानी अमोनिया और यूरिया जो है लिवर के अंदर तैयार हो रहा होता है जो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होता है। अब ये तैयार क्यों होता है, क्योंकि दे आर ब्रेकिंग अमाइनो एसिड, प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड बनता है, फिर अमाइनो एसिड को तोड़ते हुए जब तोड़ते जाता है हमारे बॉडी तो वो यूरिया एंड एनएच3 को प्रोड्यूस करता है। वी कंटिन्यूसली टेक डिफरेंट सोल्यूट आयन्स इन अ फूड लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, यानी कि हम खाना जब खा रहे होते हैं उसके अंदर भी हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ आयन्स इनटेक कर रहे होते हैं, लाइक सपोज नमक होता है तो उसके अंदर सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन होता है। द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूट एंड नाइट्रोजनस बेस आर मेंटेन बाय किडनी। अब किडनी का मेन फंक्शन क्या है, टू मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ वाटर सोल्यूट एंड नाइट्रोजनस बेस इज मेंटेन। वो कौन से प्रोसेस से करता है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन। अब जिस प्रोसेस जिस सिस्टम के अंदर किडनी काम कर रहा होता है उस सिस्टम को कहते हैं हम यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या जाता है, अ पेयर ऑफ किडनी यानी दो किडनीज आ जाते हैं, यूरिटर आ जाता है, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स यानी यूरिटर्स दो यूरिटर्स आ जाते हैं, यूरिटर्स जो है वो किडनी के बाहर पाइपलाइन में कनेक्टेड होती है उसको कहते हैं, अ यूरिनरी ब्लैडर होता है हमारे पास एंड अ यूरिथ्रा। यानी कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो किडनीज हैं, दो किडनीज से जो है फिर हमारे पास ये यूरिटर निकल रहा है, यूरिटर यानी किडनी को कनेक्ट करता है ब्लैडर से, पाइपलाइन दैट कनेक्ट्स किडनी टू द ब्लैडर इज नोन एज यूरिटर, यूरिटर के बाद ब्लैडर आ जाता है, ब्लैडर के बाद जो हमारे बॉडी से यूरिन निकलता है दैट इज यूरिथ्रा। किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन, किडनी का कलर होता है दैट इज बेसिकली रेडिश ब्राउन, सिचुएटेड द डोर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सल मीन्स बैक साइड, यानी कि वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड में होता है। एब्डोमिनल कैविटी के आगे क्या होता है, वेंट्रल साइड में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसके बैक साइड में वी हैव द डोर्सल साइड, और दोनों जो है वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, दोनों साइड में होते हैं। द किडनी लाइज अबव द वेस्ट लाइन, जो हमारी वेस्ट लाइन होती है उसके ऊपर किडनी पाया जाता है। ईच किडनी हैज एन एरिया इन द सेंटर ऑफ कॉनकेव सरफेस व्हिच फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम, दिस एरिया इज कॉल्ड टीलस। एक एरिया होता है लाइक सपोज यहाँ पे दिखा देते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे किडनी का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किडनी का ये वाला जो साइड है, यहाँ पे क्या है आपके जो नर्व्स हैं, जो आपके आर्टरीज एंड वेन्स हैं, और यूरिथ्रा जो है यहाँ से ही कनेक्टेड है। तो जिस पॉइंट से ये कनेक्टेड है, जिस एरिया से वो कनेक्टेड है, दैट एरिया इज नोन एज सीरस। यहाँ पे भी आपको ओपनली नजर आ रहा है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्शन, ये सारे जो पाइपलाइंस हैं एक ही होल से निकल रहा है। तो दिस एरिया इज नोन एज हीलस। द रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व एंड यूरिटर आर कनेक्टेड टू ईच किडनी एट द हीलस। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरिटर, सारे नर्व्स, सब कुछ यहाँ से हीलस वाले पार्ट से ही एरिया से ही कनेक्ट कर रहा होता है। यानी ये किडनी जो है उसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है हीलस वाला पार्ट, उसके अंदर रीनल आर्टरी, वेन्स, यूरिटर एंड द नर्व्स यहाँ से ही कनेक्शन कर रहा होता है। द यूरिटर इज अ नैरो ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी सिस्टम। यूरिटर वो ट्यूब होता है पतला सा जो यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है किडनी से। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लें यहाँ पे, ये जो पाइपलाइन जो कनेक्ट कर रहा है ब्लैडर टू द किडनी इट्स एज नोन एज यूरिटर। तो क्या होता है, जब किडनी फिल्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता है तो यूरिटर के थ्रू वो ब्लैडर के पास यूरिन पहुँचा देता है। यूरिन पासिस थ्रू यूरिटर टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिन यूरिटर से थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर इज द थिन वॉल्ड muscular bag which is situated towards the bottom of the abdominal cavity in front of the rectum which stores urine. Rectum के आगे और abdominal cavity के यानी पेट वाले हिस्से में बिल्कुल नीचे ये पाया जाता है, और इसकी जो walls होते हैं बहुत thin होते हैं। The urethra is a tube which comes out from the urinary bladder, runs down and opens outside the body. Urethra फिर एक अलग से ट्यूब होता है जो urinary bladder के बाहर आता है, और ये उसकी ओपनिंग होती है outside the body होती है जहाँ से हम लोग यूरिन को बाहर निकाल रहे होते हैं। इट पासिस यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी इज इंक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। यानी किडनी के इर्द गिर्द जो लेयर बना हुआ होता है जिसे नॉन पेरिटोनियम, अ फ्लूइड इज स्पिल्ड इन बिटवीन पेरिटोनियम कॉल्ड पेरिटोनियल फ्लूइड। यानी फ्लूइड किडनी के अंदर होता है मेम्ब्रेन लेयर के
बाद हमारे पास जो नजर आ रहा है यहाँ पे दैट इज पेरिटोनियल फ्लूइड विच रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन में कमी हो. अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज थ्री मेन पार्ट्स है इसके पास, द कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड द पेल्विस. कॉर्टेक्स इज द आउटर ब्राउन पोर्शन, यानी जो बाहर वाला हिस्सा होता है इट इज नोन एज द कॉर्टेक्स. इट इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, उसकी भी एक प्रोटेक्शन होती है फाइब्रस कैप्सूल की. द मेड्यूला इज द इनर लाइटर पोर्शन, कॉर्टेक्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो मेड्यूला आ जाता है जो थोड़ा सा लाइट कलर में होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है. इट कंटेन्स कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल पिरामिड्स, उसमें कुछ प्रोजेक्शन होते हैं यानी कुछ उठे हुए पार्ट होते हैं, कुछ ट्राइंगुलर पार्ट होते हैं, दैट इज नोन एज रीनल पिरामिड्स. द ह्यूमन किडनीज कंटेन्स 12-16 पिरामिड्स, एक किडनी के अंदर 12-16 पिरामिड्स मौजूद होते हैं. द मेड्यूला कंटेन्स नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी, यानी किडनी का जो मेन फंक्शन जो होता है फिल्ट्रेशन का वो नेफ्रॉन के थ्रू हो रहा होता है, और सारे नेफ्रॉन्स जो है हम लोगों को मेड्यूला के अंदर मिलेंगे. कॉर्टेक्स के अंदर कोई नेफ्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉर्टेक्स बेसिकली इज द आउटर मोस्ट लेयर. दीज आर द टाइनी किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी बेसिकली नेफ्रॉन्स क्या है, छोटे छोटे पतले से पाइपलाइंस हैं जो किडनी के अंदर मौजूद होते हैं. वेयर ऑस्मो रेगुलेशन अकर्स टू प्रोड्यूस यूरिन, यानी वो क्या करते हैं, वाटर की मिकदार, सोल्यूट्स की मिकदार को कंट्रोल में रखते हैं, ताकि जो मेंटेन रखते हैं ताकि हमारे बॉडी सही से फंक्शन कर सके, और जो एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन के शक्ल में जिस्म से बाहर निकाल देता है. द किडनी आर कनेक्टेड टू द यूरेटर एट पेल्विस, फिर उसके अंदर चले आएंगे तो पेल्विस वाला पार्ट आता है और वहाँ से जो है किडनी कनेक्शन होती है विद द यूरेटर. मैंने आपको पहले बताया था यूरेटर जो है वो पाइपलाइन है जो किडनी को कनेक्ट करता है विद द ब्लैडर. तो किडनी के अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे यूरेटर इंटर होता है या जहाँ से यूरेटर कनेक्टेड है, दैट पार्ट इज नोन एज पेल्विस. पेल्विस इज अ फनल लाइक सब्सटेंस, यानी फनल लाइक सॉरी स्पेस है वो फनल जैसा, जिससे आप लोगों ने फनल्स देखे होंगे. इट इज द इनलार्ज पोर्शन ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी, उसके किडनी का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो पेल्विस होता है. एंड देख लें, जो आउटर मोस्ट लेयर है किडनी का दैट इज डार्क ब्राउन, दैट इज द कॉर्टेक्स. फिर उसके अंदर आ जाता है ये थोड़ा सा गीला गीला आपको नजर आ रहा है, दैट इज द मेड्यूला, उसके अंदर सॉरी दैट इज द फ्लूइड जो बीच में होता है. एंड देन दैट इज द मेड्यूला, और आखिर में जहाँ से बिल्कुल अंदरूनी पार्ट जहाँ से यूरेटर जो है किडनी से कनेक्टेड होता है, दैट इज नोन एज द पेल्विस. ठीक है, दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ किडनी. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एंड किडनी का जो मेन फंक्शन है अबाउट द फिल्ट्रेशन बेसिकली नेफ्रॉन्स के थ्रू हो रहा होता है. ईच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ईच हर किडनी के अंदर जो है, क्योंकि दो किडनी से हमारे पास और हर किडनी के अंदर जो है मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, विच आर माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स. यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के ये पाइपलाइंस बने हुए हैं जो बहुत बहुत पतले से होते हैं जो किडनी के अंदर मौजूद होते हैं. Each nephron consists of 4 main parts, the Bowman capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. यानी कि इसके अंदर जो 4 main parts हैं, Bowman capsule ये जो glomerulus है उसके इर्द गिर्द एक layer होता है जिसको Bowman capsule कहते हैं, यानी basically glomerular capsules को वो safe रख रहा होता है, that is the Bowman's capsule. फिर आता है proximal convoluted tubule, यानी बोमन कैप्सूल के फौरन बाद आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो लूप ऑफ हेनले से वो पास कर रहा होता है. ये आपका लूप ऑफ हेनले है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन होती है, इसमें बहुत सारी खिचमिच होती है, तो जो गंदगी होती है वो लेयर से स्किन जो उसका वॉल होता है उसे चिपक जाता है, और जो साफ पानी होता है वो या जो भी जो हमें काम करनी होता है लिक्विड वो निकल जाता है यहाँ से, सॉरी जो गंदगी होती है उसे चिपक जाती है और साफ जो है वो खून साफ हो गया बाहर निकल जाता है. एंड देन वी हैव द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये नेफ्रॉन से उस नेफ्रॉन से बाहर निकल जाते हैं. नंबर ऑफ नेफ्रॉन ओपन इन द ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, यानी फिर सारे नेफ्रॉन्स जो हैं एक जगह पे ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे सारा जो कचरा होता है एंड जो साफ जो सफाई के बाद ब्लड होता है वो वहाँ से क्रॉस आउट हो जाता है. नेफ्रॉन्स आर सराउंडेड बाई डिफरेंट ब्लड वेसल्स दैट आर कनेक्टेड टू द रीनल आर्टरी एंड वेन्स. नेफ्रॉन के लिए बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, जो आखिर में जाके इस तरह के रीनल आर्टरीज एंड वेन्स से आप आखिर में जाके कनेक्टेड होते हैं. फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एक दफा देख लेते हैं. द रीनल आर्टरी व्हेन एंटर्स इन द किडनी इट डिवाइड्स इनटू मिलियन ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड एफरेंट आर्टरियोल्स. रीनल आर्टरी जैसे ही किडनी के अंदर एंटर होता है दे बिकम अ लॉट ऑफ ब्रांचेस दैट इज नोन एज एफरेंट आर्टरियोल्स. द ब्लड एंटर्स द किडनी बाय रीनल आर्टरी एंड गोज इनटू एफरेंट आर्टरियोल्स. जो ब्लड होता है वो पहले आर्टरी से किडनी के अंदर एंटर होता है एंड आर्टरी जो है रीनल आर्टरी जो है उसके काफी सारे ब्रांचेस बन जाते हैं ताकि वो नेफ्रॉन के अंदर इंटर कर सकें, क्योंकि नेफ्रॉन बहुत टाइनी होता है. उसके बाद जो ब्लड होता है वो एफरेंट आर्टरी में इंटर करता है.
Each apparent arteriole for the device is numerous blood capsule capillaries. उसके बाद जो आर्ट्रियोल्स हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, उसके और भी ज़्यादा ब्रांचेस बन जाते हैं. और कहाँ पे वो बनते हैं? बोमन कैप्सूल के अंदर. तो बोमन कैप्सूल जो है बेसिकली एक समझिए एक लेयर टाइप होता है जिसके अंदर बहुत सारे कैपलेरीज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. और तमाम कैपलेरीज जितने भी छोटे छोटे कैपलेरीज जो ब्लड नेफ्रॉन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज ग्लोमुलस. इन ग्लोमुलस की इर्द-गिर्द जो लेयर बना हुआ है दैट इज नोन एज बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल विद ग्लोमुलस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैल्पिजियन बॉडी. यानी अगर बोमन कैप्सूल को और ग्लोमुलस को कंबाइनली हम कहेंगे, ग्रुप में अगर हम कहेंगे, दे आर नोन एज मैल्पिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल कॉर्पस्कल. ब्लड लीविंग द ग्लोमुलस थ्रू एफरेंट आर्टरियोल्स इंटर्स ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग नेफ्रॉन. जब एक दफ़ा ग्लोमुलस से बाहर निकल जाता है ब्लड, उसके बाद वो डिफरेंट आर्टरियोल एफरेंट आर्टरियोल से वो एग्जिट करता है. ब्लड कैपिलरी सराउंड द लूप ऑफ हेनले यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल. फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले के पास सारे वेन्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं एंड देन वो आखिर वहाँ से निकल जाते हैं एंड देन दे इंटर रीनल वेन. यानी पहले आर्टरियोल्स आर्टरी से रीनल आर्टरी से ब्लड इंटर होता है, उसके बाद वो ब्रांचेस बनाते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स की. आर्टरियोल्स जो है वो डिफरेंट कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं जिसको हम लोग ग्लोमुलस कहते हैं. ग्लोमुलस और बोमन कैप्सूल के ग्रुप को हम लोग मैल्पिजियन बॉडी कहते हैं. जब पूरा सफाई हो जाता है तो उसके बाद वो एफरेंट आर्टरियोल से वो एग्जिट करते हैं और उसके बाद लूप ऑफ हेनले में वो बहुत सारे वेन्यूल में इंटर होते हैं. वेन्यूल जो है रीनल वेन, ये बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. जब वो जैसे ही बाहर निकलता है तो मेन जो रीनल वेन होता है उसके अंदर वो इंटर करता है. इस तरीके से जो नेफ्रॉन्स है वो हमारे ब्लड को साफ करता है.